आ गई कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, भाजपाइयों में मची भगदड़। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने 24 उम्मीदवारों की लिस्ट हफ्ते भर पहले ही जारी कर दी है, लेकिन अब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो आखिर क्यों पिछड़ रही कांग्रेस? अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के बाद 39 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए 39 नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, सिक्किम, नागालैंड आदि राज्यों की 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, लेकिन पहली सूची में मध्य प्रदेश की किसी भी सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची में मध्य प्रदेश से नाम नदारद है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल पहली सूची में मध्य प्रदेश से किसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इसी के साथ आपको यह भी बताते चले कि हो सकता है कि कांग्रेस किसी भी मास्टर स्ट्रोक करने की तैयारी कर रही हो। फिलहाल आपको बताते चले कि कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। फिलहाल आपके क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।